नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन चमोली जिले से मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिला निर्वाचन आयोग की ओर से 34 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है। वही संचार विहीन वाले बूथों पर पोलिंग पार्टियों को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के सफल संपादन के लिए बीते दिन पुलिस और खेल मैदान से जिले के दुरुस्त मतदेय स्थलों के लिए 34 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि जिले के दुरुस्त मतदेय स्थलों के लिए विधानसभा बद्रीनाथ की 9, थराली की 11 और कर्णप्रयाग की 14 समेत कुल 34 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, जिससे दूर के मतदेय स्थलों तक समय से पहुंचा जा सके। आपको बता दें कि कई गांव के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं दुरुस्त मतदान पार्टियों के साथ उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक एक माइक्रो ऑब्जर्वर वीडियोग्राफर भी रवाना हुए। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जहां संचार व्यवस्था नहीं है, वहां सूचनाओं को पहुंचाने के लिए मतदान पार्टियों को सैटेलाइट फोन और वायरल सेट उपलब्ध कराया गया है। साथ ही मतदान पार्टियों और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों की GPS ट्रेनिंग भी की जा रही है। वहीं उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि वो अपने मतदान पार्टियों के मतदेय स्थल पर पहुंचने की सूचना जरूर देंगे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि मतदान शुरू होने से पहले EVM मशीनें तैयार कर अनिवार्य रूप से मॉक पोल करना सुनिश्चित करें, और साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं की पहचान भली भांति करें और मतदाता वोटर स्लिप के साथ निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित फोटो पहचान पत्र या निर्धारित दस्तावेजों से एक चीज लानी अनिवार्य होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान शुरू होने के पहले सूचना के साथ ही प्रत्येक 2 घंटे की मतदान सूचना अनिवार्य रूप से कंट्रोल रूम को देंगे। साथ ही पोलिंग पार्टियों को कोविड के प्रभावी रोकथाम और सतर्कता के लिए कोविड किट, PPE किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर भी दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी मतदान पार्टियों को स्लीपिंग बैग, स्नो बूट भी मुहैया कराए गए हैं, जिससे पोलिंग बूथ में उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो मतदेय स्थल हैं उनके लिए हमारे मतदान दल रवाना हुए हैं। इन सभी मतदेय दलों को हमने कोविड किट दी है, कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स के अनुपालन के लिए। साथ ही साथ हमने उनको एक आवश्यक सुविधाओं के लिए एक हमने एक राशन किट दी है, सो दैट क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था करने के लिए। साथ ही साथ हमने जो हमारे स्नो बाउंड बूथ्स हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है या बर्फ़ होने की स्थिति हो सकती है, तो हमारे जैकेट्स हैं, स्नो बूट्स हैं, इसकी सुविधा भी उपलब्ध कराई है। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।